Hello Smarties, welcome back in this session. This is set number 2 for UGC NET and JROF. And ये previous year questions को हम discuss कर रहे हैं. ये दूसरी श्रृंखला में देखते हैं 30 more questions. Let's see. First question, what does the abbreviated term CCS stand for? ये CCS किसके लिए stand करता है in the context of cultural studies? Let me tell you one thing. Cultural studies शब्द को सबसे पहले coin किया था Richard Hogarth ने. और रिचर्ड होगार्ट ने क्वाइन किया था 1964 में. ये कल्चरल स्टडीज़, पहले आपको ये शब्द जानना है, कभी कभी ऐसे पूछ सकता है. इसे रिचर्ड होगार्ट ने क्वाइन किया था, ठीक है. कब किया था? इन 1964 में किया था, व्हेन ही वाज फाउंडिंग CCS. CCS का कंसोर्टियम ऑफ कोऑपरेटिव कल्चर एंड सोसाइटी, Conference on Contemporary Culture and Society, Center for Contemporary Cultural Studies. This was the right answer. और ये जो है Center for Contemporary Cultural Studies को जो founding, while founding, this term was, this phrase was coined cultural studies. उसमें और भी नाम आते हैं और हम Stuart Hall का नाम देखते हैं, जो उन्होंने, जैसे Richard Hogarth की किताब थी Usage of Literacy, तमाम चीज़ें थी. तो और यूजेज ऑफ लिटरेसी 1957 में आती है. और अकॉर्डिंग टू Stuart Hall, यहाँ देखो Stuart Hall भी आ गए, कहीं ना ये भी जुड़े. द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्सेप्ट प्लेड द कॉन्सेप्ट प्लेड अ सेमिनल रोल इन कल्चरल स्टडीज. कौन सा कॉन्सेप्ट जो है सेमिनल रोल अदा करता है, महत्वपूर्ण रोल अदा करता है इन कल्चरल स्टडीज? इंटरपोलेशन, डिस्पॉजिटिव, आई थिंक ये कहीं ना कहीं कुछ थोड़ा सा हेजीमनी, कल्चरल हेजीमनी की बात करेंगे. हेजीमनी जस्ट रूल ओवर, मतलब डोमिनेंस होता है. हेजीमनी का कॉन्सेप्ट आगे, पहले इसको पढ़ा है आपने मार्क्सिज्म में. और दरअसल हेजीमनी होता क्या है? ए डोमिनेशन ऑफ कल्चरली डाइवर्स सोसाइटी बाय द रूलिंग क्लास हु ट्राई टू मैनिपुलेट कल्चर, राइट? तो डोमिनेशन एक प्रकार का हेजीमनी क्या होता है? डोमिनेशन होता है डोमिनेशन ऑफ कल्चरली डाइवर्स सोसाइटी बाय रूलिंग क्लास हु मैनिपुलेट कल्चर. तो दैट्स वाई कल्चरल स्टडीज यहाँ पर आता है. तो हेजीमनी इज द राइट आंसर. सोसाइटी इज नॉट एन इंटरपोलेशन इज नॉट द वन. द बुक पोलिटिकल शेक्सपियर, पोलिटिकल शेक्सपियर एसेज इन कल्चरल मटीरियलिज्म. अब कल्चरल मटीरियलिज्म का नाम आएगा तो ये शब्द, पहले बात, कभी ऐसा भी सवाल बन सकता है कि कल्चरल मटीरियलिज्म को किसने क्वाइन किया है, तो रेमंड विलियम्स का नाम आप याद रखेंगे, मार्क्सिज्म से कहीं ना कहीं प्रभावित हैं. वॉज जॉइंटली एडिटेड बाई, कौन एडिट कर रहे थे इसको? 1985 में आता है, 1985 में आता है, ये भी जान लेना. पॉलिटिकल शेक्सपियर, एलन सिनफील्ड एंड जॉनाथन डॉलीमर और जाइल्स टिल्यूज एंड फेलिक्स गॉटरी, बिल एसक्रॉफ्ट एंड हेलन टिफिन, थियोडोर द एम्पायर राइट्स बैक, थियोडोर अडोर्नो एंड मैक्स हर्कहाइमर. तो ये जो है आपका क्या ऑप्शन क्या है? ये एलन सिनफील्ड और जॉनाथन डॉलीमर, पॉलिटिकल शेक्सपियर. शेक्सपियर पे बहुत सारे लोगों ने, ये न्यू हिस्टोरिसिस्ट या कल जो आप कल्चरलिस्ट मटीरियल, ये कल्चरल मटीरियलिज्म की बात आएगी तो हम रेमंड विलियम्स का नाम लेंगे. किसका नाम लेंगे? रेमंड विलियम्स. अगर पूछा जाए ये शब्द किसने क्वाइन किया, तो रेमंड विलियम्स का नाम लेंगे. और लेफ्ट या मार्क्सिस्ट ओरिएंटेशन है उसमें स्टडीज का. और आइडेंटिफाई द वर्क विच हैज़ नॉट बीन ऑथर्ड बाई द फेमस कल्चरल क्रिटिक रेमंड विलियम्स. कौन सा इन्होंने नहीं लिखा है रेमंड विलियम्स ने? द कंट्री एंड द सिटी, कल्चर एंड एंड सोसाइटी, मॉडर्न ट्रेजडी एंड द मेकिंग ऑफ इंग्लिश वर्किंग क्लास. द मेकिंग ऑफ इंग्लिश वर्किंग क्लास इज अ बुक बाई, आई पर्सनली थिंक इट इज बाई ई पी थॉम्सन, 1963. ई पी थॉम्सन की किताब है ये. तो ये आपको 1963, इट इज़ बाय ई पी थॉम्सन. बाकी ये तीनों जो हैं, द कंट्री एंड द कल्चर एंड सोसाइटी जो है ये 1958 में आता है, द लॉन्ग रिवोल्यूशन 1961 में आता है, और मॉडर्न ट्रेजेडी, राइट, मॉडर्न ट्रेजेडी आता है 1973 के पास. तो ये इन्होंने नॉवेल भी लिखा है, बॉर्डर कंट्री वगैरह, बॉर्डर कंट्री सेकेंड जनरेशन नॉवेल भी लिखा है. इन्हें नॉवेल भी, नॉवलिस्ट के रूप में आप इन्हें कम जानते हैं, नॉवेल भी है इनका. कौन सा है? एक तो बॉर्डर कंट्री आप समझ लीजिए, बॉर्डर कंट्री नाम का नॉवेल है. थोड़ा सा आप यू कैन डू विकिपीडिया, बॉर्डर कंट्री एंड सेकेंड जनरेशन, और भी कई नॉवेल्स लिखे हैं इन्होंने.
हालांकि उतने नॉवलिस्ट के रूप में उतने पॉपुलर नहीं रहे, बट आप देख रहे हैं ये कल्चर एंड सोसाइटी मॉडर्न ट्रेजेडी ऑल दीज आर रिटन बाई हिम। ठीक है, लॉयल्टीज करके इन्होंने एक नॉवल लिखा है। अब ये मत कहना कि सर गालजोर्दी को जानते थे लॉयल्टीज के लिए, लॉयल्टीज नाम का नॉवल भी इन्होंने लिखा है, ये महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ गालजोर्दी से कन्फ्यूजन हो सकता था आपको। 1922 में था उनका, 1985 में है, तो लॉयल्टीज गालजोर्दी को भी हम पढ़ेंगे जहाँ पर जरूरत है। जस्टिस स्ट्राइप सिल्वर बॉक्स तमाम चीज़ों के लिए आप उनको जानते हैं, क्योंकि टीजीडी में है तो उसको काफ़ी डिटेल में पढ़ाया भी गया है, तो ऊपर की तीन किताबें हैं। सेकेंड लैंग्वेज इज, सेकेंड लैंग्वेज क्या होता है? अब सेकेंड लैंग्वेज की बात करेंगे तो क्या होता है? द लैंग्वेज सेकेंड इन इंपॉर्टेंस टेल्स द यूज ऑफ लैंग्वेज बाई लर्नर। तो ये जो है थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं टाइपिंग एरर है सेकेंड लैंग्वेज में। द लैंग्वेज सेकेंड इन इंपॉर्टेंस विच टेल्स एंड टेल्स ऑफ द दैट टेल्स होना चाहिए, ये यहाँ ये सेंस नहीं कर रहा है। दैट टेल्स ऑफ द यूज ऑफ लैंग्वेज बाई अ लर्नर, ये है नहीं। द लैंग्वेज यूज बाई अ सेकेंड जनरेशन लर्नर, एनी लैंग्वेज अदर देन लर्नर्स नेटिव लैंग्वेज उसको सेकेंड लैंग्वेज कहते हैं, और मदर टंग कहते हैं, जो मदर टंग से इतर लैंग्वेज होती है उसको सेकेंड लैंग्वेज के रूप में कहते हैं। When a learner's second language learning system seems to freeze or get stuck at some more or less deviant stage, that phenomena is known as, जब एक लर्नर की सेकेंड लैंग्वेज की लर्निंग सिस्टम होता है, ऐसा लगता है कि पर्टिकुलर स्टेज पे स्थान पे रुक गई है और मोर और लेस जो मतलब भटक गई है, दैट फिनोमेना इज कॉल्ड फ्रीजर, फॉसिलाइजेशन, लैंग्वेज लर्निंग ब्लॉकेड, ये लर्निंग है, लैंग्वेज लर्निंग ब्लॉकेड एंड लैंग्वेज इसके फोल्डिंग, तो उसे क्या कहते हैं? तो आपके पास यहाँ शब्द है एक, देख रहे हैं, फॉसिलाइजेशन। फॉसिलाइजेशन क्या होता है? ये कैसे प्रोसेस को रिफर करता है जिसमें बी बिकम यूज टू यूजिंग इनकरेक्ट लैंग्वेज, मतलब जिसमें हम आदि हो जाते हैं, मतलब यूज ऑफ इनकरेक्ट लैंग्वेज बिकम्स आर हैबिट, तो उसको फॉसिलाइजेशन कहते हैं। वही जीवाश्मीकरण जो होता है, तो वो लैंग्वेज में फॉसिलाइजेशन का मतलब अलग होता है। और ये जो फॉसिलाइजेशन शब्द है, तो ये लैरी सेलिंकर ने इसे क्वाइन किया था, इंटरलैंग्वेज और फॉसिलाइजेशन एक और, एंड इंटरलैंग्वेज एक दूसरा फ्रेज, ये याद कर लेना, इंटरलैंग्वेज और ये फॉसिलाइजेशन। जैसे पूछा कि किसने क्वाइन किया, ये क्वाइंड बाई, तो ये जो महत्वपूर्ण क्या है कि कभी कभी क्वाइनिस पूछता है, तो लैरी सेलिंकर नाम के लिंग्विस्ट हैं, प्रोफेसर हैं, लैरी सेलिंकर याद कर लेना, क्वाइंड लैरी सेलिंकर क्वाइंड इंटरलैंग्वेज, और इन दोनों को साथ में क्वाइन किया था इन्होंने। तो ये फॉसिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस इन विच इनकरेक्ट लैंग्वेज बिकम्स द हैबिट एंड कैन नॉट बी करेक्टेड इजली, मतलब एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें वी बिकम यूज टू यूजिंग इनकरेक्ट लैंग्वेज एंड दैट इज नॉट ईजिली गोइंग टू गेट आउट ऑफ हैबिट, वो आसानी से आदत से नहीं निकलता है, तो उसको फॉसिलाइजेशन कहा जाता है। और फॉसिलाइजेशन और इंटर लैंग्वेज शब्द को क्वाइन करने का सही जाता है लैरी सेलिंकर नाम के लिंग्विस्ट को, जो प्रोफेसर है लिंग्विस्ट के, आप इनको जानते हैं, नहीं जानते तो क्योंकि मैं भी तभी जानता हूँ जब आपको पढ़ाना होता है, तो मैं उसको एक नज़रिया देखता हूँ तब बताता हूँ। जैसे नए नए शब्दों को पूछता है तो आपको बताना चाहिए, ग्लोबलेक्टिक्स या जैसे डिमिथलाइजेशन या डिमिथलाइजिंग आया था लास्ट ईयर के एग्जाम में, तो ऐसे कई नए क्वाइनीज आपको हमेशा ध्यान देने होते हैं, देना भी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम, क्या है, वी हैव व्हाट, इंटीग्रेटिव मोटिवेशन रिफर्स टू, इंटीग्रेटिव मोटिवेशन का क्या मतलब होता है? लैंग्वेज लर्निंग फॉर इमीडिएट गोल्स, लैंग्वेज लर्निंग फॉर प्रैक्टिकल गोल्स, लैंग्वेज लर्निंग फॉर पर्सनल ग्रोथ एंड कल्चरल एनरिचमेंट, नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन सी इज ओके, क्योंकि ये लैंग्वेज ऐसा है जो हम आप कह सकते हैं, और ये जो दिस वॉज डेवलप्ड बाई आरसी गार्डनर नाम के व्यक्ति हैं, आरसी गार्डनर, ए जी गार्डनर से मतलब नहीं है, नहीं तो आप सोच लो, गार्डनर जो हैं उन्होंने ये डेवलप किया था, डेवलप्ड बाई, ये एडिशनल पॉइंट्स आप जरूर नोट कर लीजिए क्योंकि मैं भी उसको रिसर्च करने के बाद ही बताता हूँ।
तो ये इंटीग्रेटिव मोटिवेशन क्या होता है, लैंग्वेज लर्निंग फॉर पर्सनल ग्रोथ एंड कल्चरल एनरिचमेंट के लिए ये जो होता है उसको इंटीग्रेटिव मोटिवेशन कहा जाता है। इन 1835 विच ऑफ द एजुकेशन एक्ट, मुझे याद आने लगा, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज वॉज रिप्लेस्ड बाई इंग्लिश। अच्छा एजुकेशन एक्ट ही है भाई जो लॉर्ड डलहौजी के समय में था, ठीक है, नहीं हाँ वही था, इंग्लिश एज द, नहीं नहीं लॉर्ड डलहौजी के समय में था, लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में था, माई अपोलॉजीज फॉर दैट, इंग्लिश एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। अब क्योंकि मुगलों ने शासन किया था हमारे पास और मुगलों की भाषा क्या थी, पारसी, पर्शियन लैंग्वेज थी, तो पर्शियन को ही इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये लॉर्ड विलियम बेंटिक डिड इट। लॉर्ड विलियम बेंटिक का नाम आप इसलिए जानते हैं, क्यों जानते हैं जानते हैं, लॉर्ड विलियम बेंटिक और राजा राम मोहन राय का नाम आप जानते होंगे, क्योंकि जो इविल्स कुछ हमारे समाज में कुछ इविल प्रैक्टिसेस थी, जैसे सती प्रथा वॉज, सती सिस्टम वॉज वन ऑफ देम, तो क्रेडिट गोज टू लॉर्ड विलियम बेंटिक एंड राजा राम मोहन राय हु डिड प्रिटी वेल टू इरेडिकेट दैट सिस्टम, और काफ़ी अरसे तक चलता रहा, ओवरऑल वो हट गया, कानून बनाकर हटा दिया गया। तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिक उस समय यहाँ पर थे और उनके प्रयासों से ये मतलब पर्शियन लैंग्वेज को हटा दिया गया, मुगलों की भाषा थी। और जो अब लेकिन लोग वकालत करते हैं कि आई एम नॉट अगेंस्ट हिंदी, नोबडी शुड बी, किसी को होना नहीं चाहिए, लेकिन लैंग्वेज जो है, लैंग्वेज लैंग्वेज से भी एक प्रकार का कॉलोनाइजेशन होता है, लेकिन दोज हु आर जस्ट एडवोकेटिंग दैट कि इस भाषा में होनी चाहिए, भाई उसमें सुविधा ही नहीं है। अब वेस्टर्न फिलोसफी पढ़ने जाओ आप, हिंदी में अच्छी किताबें ही नहीं है यार, तो ये किसकी मिस्टेक है, और एकदम हूबहू ट्रांसलेशन हो नहीं पाता है। तो इंडिया क्या है, इंडिया अमेरिका क्यों, अमेरिका वही अमेरिका इज अमेरिका बिकॉज अमेरिका इज अ मेल्टिंग पॉट, कोई भी आएगा काबिल आदमी वहाँ उसका स्वागत है, सुंदर पिचाई यहाँ के हैं लेकिन वहाँ पर स्वागत है। वहाँ का कोई बंदा आ जाएगा, अरे विदेशी आ गया, ऐसा हो गया, हमारे अंदर खुद हमारे वी आर जेनोफोबिक, हम खुद ही जेनोफोबिक हैं। तो इंडिया को मेल्टिंग पॉट बनने दो, इसको लैंग्वेज इज नॉट, लैंग्वेज हैज नेवर बीन एनीबडीज फॉर्टे, लैंग्वेज इज नो मोर अ प्योर लैंग्वेज, इट हैज़ बिकम चटनीफाइड। तो चटनीफाइड लैंग्वेज ही चल रही है, पूरी दुनिया में चल रही है। आपको ऐसा लग सकता है कि वहाँ ऐसा हो रहा है, अमेरिकन ये बोलते हैं, ब्रिटिश ये बोलते हैं, इवन मेनी मेनी अ टाइम यू माइट हैव सीन एन अमेरिकन स्पीकिंग बेटर हिंदी एटलीस्ट देन एन एवरेज इंडियन। तो कोई बात नहीं है, आप इस भाषा भाषाई इस वाकजाल में मत फंसो, इंडिया दैट इज़ भारत, भारत दैट इज़ इंडिया में मत उलझो, मेरे कहने का मतलब है, ठीक है। बाकी वो बहस का मुद्दा हो सकता है। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग, द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन इन कॉलोनियल पीरियड रिफर्स टू मिशनरी कॉज 1698, ये मैग्ना कार्टा नहीं था, मैग्ना कार्टा किसको कहा जाता है, चार्ल्स वुड ने एक, चार्ल्स वुड 1854 आप जानते हैं वुड्स डिस्पैच नाम से, चार्ल्स वुड लॉर्ड डलहौजी के समय में थे, 1854 में आया था वुड्स डिस्पैच, उसी को कहा जाता है, कहीं हो मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन कॉलोनियल पीरियड रिफर्स टू कमीशन इन इंडिया, सैडलर कमीशन, कई कमीशन, हंटर कमीशन, सैडलर कमीशन, तो वुड डिस्पैच सबसे लास्ट में आता है आप देखें तो, फिर बाद में तो है, तो मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन इज कॉलोनियल पीरियड रिफर्स टू वुड एजुकेशन डिस्पैच, वुड डिस्पैच उनके लेटर थे 1854 में, तो ये आपका सही है। आप देख रहे हैं इसका अंग्रेजी लिटरेचर से कोई संबंध नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं नेट कैसा एग्जाम है, नेट एक अम्ब्रेला एग्जाम है, अम्ब्रेला मतलब हर प्रकार का एग्जाम है, वो सब कुछ पूछ लेता है आपका। जैसे IAS का मतलब ये नहीं होता, IAS का मतलब होता है मास्टर ऑफ नन, जैक ऑफ ऑल ट्रेड, ठीक है। हाँ ऐसा नहीं है कि बहुत ब्रिलियंट छात्र IAS बनता है, एक एवरेज बिलो एवरेज छात्र को मैंने देखा है, मैं किसी का नाम लूंगा तो फिर कहेंगे सर भूपेश मुझे बिलो एवरेज बता रहा है, वो काफ़ी सीनियर है और ही वॉज MA थर्ड डिवीजन, बट 2008 में वो IAS हुए थे, ये गोविंदपुर से थे, तो हम लोग यहाँ रहते थे, हम लोग भैया अच्छा बड़े नॉलेज बड़ा अच्छा था उनका, हिस्ट्री के बड़े अच्छे जानकार थे। तो ऐसा नहीं है कि आप काम करोगे तो ऐसा नहीं है कि यू नीड टू जस्ट बी अ टॉपर ऑल द टाइम, ओनली देन यू कैन बिकम एन IAS, ओनली देन यू कैन बी बिकम अ प्रोफेसर। जनरली माना जाता है सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग जो होते हैं वो टीचिंग प्रोफेशन में आते हैं, प्रोफेसर वगैरह बनते हैं, ऐसा मत कर, मैं ही नहीं कर रहा हूँ, आप खुद भी देखते हो कि आपसे ज़्यादा कोई थोड़ी ना पढ़ता है, आप जितनी अंग्रेजी की किताबें पढ़ते हो उससे ज़्यादा इतिहास भूगोल पढ़ के पढ़ लो, इतिहास भूगोल और भी एथिक्स वगैरह जो है नीतिशास्त्र वगैरह, इतना आसान भी नहीं है लेकिन कम से कम इस तुलनात्मक रूप से आसान है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ विलियम शेक्सपियर वॉज ट्रांसलेटेड इन टू बंगाली एंड डायरेक्टेड बाई गिरीश चंद्र घोष, ये गिरीश कर्नाट की बात नहीं हो रही, गिरीश चंद्र घोष जो है, द टेम्पेस्ट, हैमलेट, मैकबेथ, हालांकि ये टेक्निकल क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन जब आते हैं तो हमेशा परेशान करते हैं, 1893 में था ये, 1893 मैकबेथ एक आपको पता है मैकबेथ प्ले है, और मैकबेथ एक
ट्रेजेडी है, ट्रेजेडी ऑफ एम्बिशन, वॉल्टिंग एम्बिशन है। और मैकबेथ पे एक मैंने बताया था, मैकबेथ पे एक प्ले सटायर है मैकबेथ, ये किसने लिखा है आप लिख के बताइए। मैकबेथ लिखा है 1972 और 73 देख लेना थोड़ा सा। मैकबेथ अ सटायर, ध्यान रहे मैकबेथ है अ सटायर, दिस इज अ सटायर बाय यूजीन आयोनेस्को का नाम आप जानते हो, जिन्होंने राइनोसेरस वगैरह लिखा है, यूजीन आयोनेस्को। तो ये नाम आपको जानना है, मैकबेथ भी बता ले एक सटायरिकल वर्क है। आगे की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ ब्राउनिंग वर प्योर ड्रामा। स्ट्रैटफोर्ड की बात करें, द लास्ट राइट टूगेदर पोइम, अ ब्लॉट इन द स्क्रेचियन, अ पिप्पा पासेज, पॉर्फिरियास लवर। आप जो भी पढ़ते हो आपको दो तो पोइम दिख गई है, इसमें ड्रामा की बात हो रही है। तो ड्रामा 1837 और पिप्पा पासेज की लाइन जो है, गॉड इज इन हेवन एंड ऑल इज राइट विद द वर्ल्ड, ये आप कैसे भूल सकते हैं। और ये जो हैं दोनों हैं, बाकी लास्ट राइट टुगेदर आपने पढ़ी होगी, जरूर पढ़ी होगी। और चूज इसमें ऑप्शन कहाँ है, ए एंड डी कहीं ऑप्शन है तो वही आपका आंसर है, कहीं है नहीं क्या, ए एंड सी। अच्छा अब ब्लॉट इन द, तब तो गड़बड़ हो जाएगा। हाँ मुझे लग रहा है कि समथिंग इज रॉटन इन द स्टेट ऑफ देन मार्क, लेट मी चेक आउट। तो मैंने बता तो दिया कि ये जो है ए एंड सी, अच्छा ए एंड सी जो है, डी पे तो पिप्पा पॉसेज है, तो अ ब्लॉट इन द स्केचियन, और अच्छा ये जो है अ ब्लॉट इन द स्केचियन जो है, ये पिप्पा पॉसेज एक प्ले था, प्लेज था। अ ब्लॉट इन द स्केचियन 1883 में आता है, ठीक है 1843 में आता है, एंड दिस वन सॉरी 1843 में आता है। तो माई अपोलोजीज ए एन से, ये पिप्पा पॉसेज है और स्टैफोर्ड एंड 1843, तो पिप्पा पासेज था, ब्लॉट इन द स्केचियन था और लूरिया नाम का प्ले था। तो योर ऑप्शन इज व्हाट, ए एंड सी, ब्लॉट इन द स्केचियन, पिप्पा पासेज नहीं है बल्कि ए एंड सी है। थोड़ा सा इसको यू कैन टेक द हेल्प फ्रॉम विकिपीडिया, बिकॉज आई आल्सो कंसल्ट विकिपीडिया एंड जस्ट कंसल्टेड, ठीक है। तो ए एंड सी इज द राइट आंसर। Who among the following poets have lived in Australia? ये चूँकि ये क्वेश्चन विवादों में था, और क्योंकि इसमें कई लोग रहते हैं, आप विवादों में इन द सेंस कि इसमें से दो राइटर आप कह सकते हैं जिनका ऑस्ट्रेलियन बैकग्राउंड से संबंध रहा। तो एक तो जुडिथ राइट का नाम है, दूसरा कैथ वॉकर का, जिनका जिनको आप ओडुगेरू नूनक्कल नाम से भी जानते हैं। तो ये दोनों थे, तो विवादों में था, तो सिंपली ये केवल ओरिजिन में थे, मूल रूप से आप इन्हीं को कहिए। ए एन सी अगर है तो ठीक है, ए एन सी कहीं ऑप्शन नहीं है तो ए एन सी इसको मान लीजिए, ए एन सी कर देते हैं तब सही हो जाएगा। हालांकि ये क्वेश्चन हटा दिया गया था, इसको आंसर नहीं माना गया था। इन एन एशियन क्रिटिसिज्म पोप, पोप क्या करते हैं, एशियन क्रिटिसिज्म में पोप करते क्या हैं आपको बताना है। पोप डज क्या इन एशियन क्रिटिसिज्म, एन एशियन मैन और एन एशियन ऑन क्रिटिसिज्म दोनों रचनाएं हैं, आपको पता है ये। और 1711 में जो इनका आया था 1711, ठीक है, जिसमें फूल्स रस इन वेयर एंजल्स फियर्स टू ट्रेड, ना एंजल्स फियर्स टू ट्रेड नाम का नोवेल भी ईएम फॉस्टर ने लिखा है, वो आप जानते हैं। ईएम फॉस्टर को भी पढ़िएगा क्योंकि वहाँ से भी सवाल बनेंगे, चाहे अरुण विद वीप से लेकर के पैसेज टू इंडिया, लास्ट में मॉरिस, और फिर तमाम द लॉन्गेस्ट जर्नी, कई नॉवेल्स हैं, ऑलमोस्ट 5 नॉवेल्स, तो वो हम देखेंगे। अब वहाँ का टाइटल वेयर एंजल्स फियर्स टू ट्रेड, जहाँ देवता भी जाने से डरते हैं बेवकूफ वहाँ चले जाते हैं, ये टाइटल एक्चुअली वहीं से लिया गया है, पोप के एनेशियन मैन से लिया गया है, ठीक है। एनालाइजेस द, क्या करते हैं, एनालाइजेस द कॉजेज ऑफ फॉल्टी क्रिटिसिज्म एंड प्रेजेस द ग्रेट क्रिटिक्स ऑफ द पास्ट, ये बात सही है, ये तो करते हैं। अब इसमें क्या है, दूसरा क्या है कि Analyzes the causes of faulty criticism and characterizes the good critic. ये दोनों बात करते हैं, यहाँ पर A और B कहीं होगा तो वही आंसर है आपका, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ भी। आगे करें, which of the following are plays written by Harold Pinter? Family Voices रेडियो प्ले था, Moon for the Miss Bigotten ये Eugene O'Neill का है, तो बात ही खत्म हो गई क्योंकि ये Eugene O'Neill का है। तो Eugene O'Neill का ये Miss Bigotten जो है प्ले है, और आई पर्सनली थिंक ही यस
1947, ये यूजीन ओनील का है, यूजीन ओनील का है, और 1947 इनका मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा या द हेरी एप, हाँ, या डिजायर अंडर द एल्ब, कई पढ़ा, द रूम, नो मैन्स लैंड, क्रैप्स लास्ट टेप जो है ये सैमुअल बेकेट का है, तो ये आप समझ गए, ये बेकेट साहब का है, वन एक्ट है, सैमुअल बेकेट का है, बाकी फैमिली वाइसेज 1980 के आसपास आता है फैमिली वाइसेज, और बग रिस्ट इज बाय नो डाउट, ये सब के सब जो हैं, ये और ये और ये हैरोल्ड पिंटर का है, तो ए सी डी कहीं दिख रहा है, तो ये आपका आंसर होगा, ए सी डी इज हियर। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव नॉट बीन रिटन बाय महेश दत्तानी। महेश दत्तानी फाइनल सॉल्यूशन के लिए इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है, डायरेक्टर भी हैं और ड्रामेटिस्ट भी हैं। डांस लाइक अ मैन, फायर इन द रेन जो है ये गिरीश कर्नाड का है, ऑन अ मगी नाइट इन मुंबई महेश दत्तानी का है, अ टच ऑफ ब्राइटनेस जो है आई थिंक अ टच ऑफ ब्राइटनेस प्रताप शर्मा नाम के एक पर्सन है, इंडियन राइटर हैं, तो ये हैं। ब्रेवली फॉट ये महेश दत्तानी का है, ये महेश दत्तानी का है, डांस लाइक अ मैन, फायर इन द रेन ये गिरीश कर्नाड का है। गिरीश कर्नाड अब इस दुनिया में नहीं रहे, गिरीश कर्नाड को अगर जानना हो तो आप हैवदना उनका पढ़े होंगे कम से कम, नागमंडला हैवदना। गिरीश कर्नाड एक था टाइगर जो मूवी आई थी, मिस्टर सिन्हा नाम के जो ऑफिसर हैं, रॉ एजेंट हैं, रॉ ऑफिसर हैं, वो वही हैं, वो रॉ के जो मेन ऑफिसर उसमें दिखाए गए हैं वही गिरीश कर्नाड जी हैं, फिल्मों में आते हैं। और ये जो है आपका ए सी ई अगर कहीं पर है तो वही सही है, और सॉरी आई थिंक समथिंग इज रॉटन, बी एंड डी है, डांस लाइक ए मैन, मगी नाइट, ब्रेव, कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग, सॉरी नॉट रिटन बाय ना, तो ये तो ठीक है, कौन सा नहीं लिखा गया, तो ये तो लिखा गया ना, ये तो लिखा गया है, सवाल हमारा कौन सा नहीं लिखा है, बी एंड डी, तो बी एंड डी ये नहीं लिखा गया ना, मैं सोच लिया कि लिखा कौन है, तो ये प्रताप, अ टच ऑफ ब्राइटनेस इज रिटन बाई प्रताप शर्मा 1965, ये 1965 बाई प्रताप शर्मा। बहुत सारे इंडियन नाम है प्रताप, ये सब आपको इंडियन उड़िया राइटर सब आपको पढ़ना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा, इसीलिए नेट का कोई और छोर नहीं रहता, और जो एग्जाम दे के आता है ही हिमसेल्फ इज़ नॉट श्योर कि उसका होने वाला है, वो तो मिलाने के बाद आके सोचते कि उसके सही कितने हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एक ज़माना था जब और टफ हुआ करता था, अभी मत कहना सर इस ज़माने में भी टफ है, ऐसा नहीं है, पिछले 4 साल से तो काफ़ी आसान हुआ है पेपर। नेम द ड्रामाज विच फॉल विद इन द कैटेगरी ऑफ द थिएटर ऑफ ऑब्सर्ड की बात करेंगे। थिएटर ऑफ ऑब्सर्ड मार्टिन एस्लिन के द्वारा क्वाइन किया गया शब्द है, तो द बर्थडे पार्टी को आप रख सकते हैं इसमें, इस श्रेणी में रख सकते हैं, एंड गेम को भी रख सकते हैं। मिसेज वॉरेन प्रोफेशन जो है ये 1893-94 की बात है, और ये अनप्लीजेंट प्लेज में शामिल है, अनप्लीजेंट प्लेज में शामिल है जिसमें द विडोवर और द फिलेंडरर और द विडोवर, ये विडोवर्स हाउस ये है, और राइनोसेरस जो है यूजीन आइनोस्को का है, राइडर्स टू द सी जे एम सिंच का है, तो ये जो है आयरिश हैं, तो आपको पता चल गया बर्थडे पार्टी और एंड गेम और जो है बेकेट का है, और ये पिंटर का है, और ये यूजीन आइनोस्को का है, तो आपको ए बी डी कहीं दिखे तो वही है, ए बी डी आपका आंसर यहाँ पर है, और आप कर सकते हैं, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस ज़रूर करनी पड़ेगी। अब जैसे बर्थडे पार्टी पढ़ते हैं तो बर्थडे पार्टी कितने का है, एक्ट का है, बर्थडे पार्टी को कॉमेडी ऑफ मिनेश है, थिएटर अपसर्डिस्ट एलिमेंट भी है उसमें, तो इसलिए थिएटर ऑफ अपसर्ड में भी रखा जाता है, राइनोसेरस भी है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले राइट्स हैव बीन करेक्टली मैस्ड विद देयर वर्क्स, आसान सा सवाल है, विलियम बिचरली, द राइवल्स को सेरेडेन के लिए जानते हैं, तो राइवल्स तो सेरेडेन है नहीं, ये तो सेरेडेन ने लिखा है, तो ये मिसेज मैलाप्रॉप वाला कैरेक्टर आप समझ रहे हैं, ठीक है। विलियम बिचरली द कंट्री वाइफ के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। बेन जॉनसन ये मैच है, वल्पूनी और द फॉक्स, विलियम कॉन्ग्रीव द कंट्री वाइफ के लिए नहीं है, आफ्रा वेन द डच लवर, इनकी आफ्रा वेन को आप ओरुनोको के लिए जानते जाते हैं, इनका जो ओरुनोको द रॉयल स्लेव, इसके लिए आप जानते हैं आफ्रा वैन, ये पहली महिला प्रोफेशनल राइटर मानी जाती हैं जो जिनकी जीविकोपार्जन का साधन लेखन रहा, हालांकि ओरुनोको जो रहा और द रॉयल स्लेव ये जरूर आता है, द रॉयल स्लेव लिखा इन्होंने, रॉयल स्लेव, ठीक है, कब लिखा 1688 में लिखा था,
ये आपको इम्पोर्टेंट वर्स रचना है, रिचर्ड सेरिडेन का आप कहेंगे तो आप आई स्कूल फॉर स्कैंडल रेस्टी जो कि ये जो है, अगर आप बात करें विलियम कॉन्ग्रीव का है, तो मैच नहीं कर रहा है, तो मैच कौन कर रहा है इसमें, कह रहे हैव बीन करेक्टली मैच, तो बेन जॉनसन मैच है और आफ्रा वेन मैच है, तो वी एन डी इज द राइट आंसर, आपका आफ्रा वेन और ये मैच है, तो हम देख रहे हैं क्या बी डी ई भी मैच है, तो भी रिचर्ड सेरिडेन स्कूल फॉर स्कैंडल बी डी ई, तो बी डी ई कहीं नहीं है, नहीं ये है बी डी ई मैच है, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, और उनको के लिए आप इनको जानते हैं डच लवर नाम का भी इन्होंने लिखा है, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, आगे चलते हैं, चूज द प्लेस रिटन बाय लॉर्ड बायरन ने कौन सा, सार्डाना पैलेस, हेलास, केन, द टायरो फोस्कारी, टायरो फोस्कारी नहीं है, ये थोड़ा सा गलत है, टू फोस्कारी है, तो लेट मी जस्ट रेक्टिफाई, द टू फोस्कारी है, ये टायरो नहीं है, ठीक है, नहीं तो सब सत्यानाश हो जाएगा, वो टाइप हो जैसे होता है पेपर में जैसे रहता है तो उसे टाइप कर देता बंदा, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये द टू फोस्कारी है, अ हिस्टोरिकल ट्रेजेडी है, ग्रेट, तो पहली बात तो ये हो गया कि ये आपको हिस्टोरिकल ट्रेजेडी है। केन भी बायरन ने लिखा, द चेंची जो है और हेलास, ये हेलास और चेंची सेली की है, किसकी है, सेली की, और चेंची बड़ा ही मतलब आप कह सकते हैं इंसेस्चुअल रिलेशन पे है, तो हेलास 1822 का वर्स्ट ड्रामा है, चेंची जो है अ ट्रेजेडी इन फाइव एक्ट, ठीक है, चेंची जो है 1819 में आता है, अ ट्रेजेडी इन फाइव एक्ट, कभी कभी ये पूछ लेता है हाउ मेनी है, अ ट्रेजेडी इन फाइव एक्ट्स में है, और ये जो है आप बात करेंगे हेलास जो है 1822 में वर्स्ट ड्रामा है, तो ये आपको थोड़ा सा, ये दोनों के दोनों जो हैं सेली के द्वारा हैं, तो आप बाकी सब बायरन के हो गए, तो आप देखें ए सी और डी कहीं है, तो ए सी और डी आपका चौथे ऑप्शन पे है, तो ये भी आपका सही हो गया। जॉन बनियन ऑथर्ड द फॉलोइंग पिलग्रिम प्रोग्रेस 1678, और मैं थोड़ा सा, हाँ कोई बात नहीं, आइए आइए, हाँ आई एम वेटिंग, तो द पिलग्रिम प्रोग्रेस की बात करें तो ये 1678, ग्रेस अबाउंडिंग इज ऑल्सो रिटन बाई, शॉर्ट व्यू ऑफ इमोरालिटी एंड प्रोफेननेस ऑफ स्टेज जो है 1698 में आता है, जेरमी कोलियर ने लिखा था, तो होली वार थॉट्स ऑन एजुकेशन जॉन लॉक ने लिखा था, तो ये आपको पता हो गया कि ये जॉन लॉक का है और ये जो है जेरमी कोलियर का है, ये जेरमी कोलियर का है, तो बात ही सब ख़त्म हो गई, ठीक है। बाकी पिलग्रिम प्रोग्रेस, ग्रेस अबाउंडिंग और होली वार सब के सब जो हैं इनके हैं, जॉन बनियन के हैं, और आपके ए बी और डी कहीं ऑप्शन हैं तो सही हो जाएगा, ए बी और डी, आप देख रहे हैं ऑप्शन फोर ही सही हो रहा है, ये 2022 के प्रीवियस पेपर को हम देख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स हैव बीन ऑथर्ड बाय थॉमस डी क्विंसी, कन्फेशंस ऑफ एन इंग्लिश ओपियम ईटर आपको पता है, और ये जो है 1821 में लंदन मैगजीन में आया था, बुक फॉर्म में आया था, ऑटोबायोग्राफिकल, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बात करें 1837 में आया था, लेकिन ये थॉमस कार्लाइल का है, हुडिब्रास सैमुअल बटलर का है, तो ये हुडिब्रास्टिक जो आप जानते हैं सैमुअल बटलर का है, ठीक है, ऑटोबायोग्राफी या ऑटोबायोग्राफिक स्केचेज करके था, ऑटोबायोग्राफिक स्केचेज करके था, चूंकि पेपर में यही आया था 1853-54 के पास आता है, और सस्पीरा डी प्रोफंडिस, तो साई फ्रॉम द डेप्थ जो है इसका, साइज फ्रॉम द डेप्थ, ये इसका ट्रांसलेशन, ये और ए और ये, ए डी ई अगर कहीं पर है तो ये आंसर है, ए डी ई कहीं नहीं, ये है ऑप्शन थ्री में, ए डी ई है, कन्फेशन ऑफ एन इंग्लिश ओपियम ईटर और ऑन द नॉकिंग एट द गेट इन मैगवेथ, ये सारी रचनाओं के लिए काफ़ी पॉपुलर है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स हैव बीन रिटन बाय थॉमस कार्लाइल, ऑफ हीरोज एंड हीरो वर्शिप, ये पूछना ही नहीं है, बिना जाने समझे ही कर देना है, ऑफ हीरोज एंड 1841 में आता है, ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ऑफ ह्यूमन बॉन्डेज, द आवर एंड द माल, तो आवर एंड द मैन है, आवर एंड द मैन, ये मैन नहीं, मैन होना चाहिए ना, हुडी ब्रास, अब सैमुअल बटलर का हो गया, अब ये द आवर एंड द मैन जो है हैरियट मार्टिनिक का है, तो ये 1841 में है, तो ये जो चीज़ें, ये किसका है, ये जो है थॉमस कार्लाइल का है,
ये टॉमस कार्लाइल का है, ये डब्ल्यू एस मॉम का है, डब्ल्यू एस मॉम जिसको आप मागम पढ़ते हो, मॉम का है, ठीक है। और ये जो है हैरियट मार्टिनिक का है, मार्टिनिक का है, ठीक है, ये आप जानते हैं। हुडी ब्रास बटलर का है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास ऑप्शन क्या है, ए एंड बी अगर कहीं है तो वही ऑप्शन है, दिस इज द करेक्ट वन। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स आर रिटन बाय जूलिया क्रिस्टीवा को इंटरटेक्चुअलिटी के कॉन्सेप्ट के लिए आप जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इंटरटेक्चुअलिटी अकोरा वाले कॉन्सेप्ट, इंटरटेक्चुअलिटी, ठीक है। और कोरा के कॉन्सेप्ट के लिए सी गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ कोरा क्या है, लिख के बताइए मुझे, मैंने बताया है। और डिजायर इन लैंग्वेज अ सिमिटिक अप्रोच टू लिटरेचर एंड आर्ट, ये ऑब्वियसली डिजायर एंड लैंग्वेज अ सिमिटिक अप्रोच 1980 में इनकी रचना है, ये तो एक हो गया 1980 में आया था। और ये इल्यूमिनेशंस, दरअसल इल्यूमिनेशंस जो है मैरी सैरेट का है, ये कोई नॉवेल है जो सिंटैक्स एंड सीमेंटिक्स की बात करें, ये जॉन पी किम्बाल हैं और ये भी एक प्रोफेसर हैं, और ये भी नहीं है इनका, ये दोनों नहीं है इनका। ले रेवोल्यूशन डू लैंग्वेज पोएटिक, ये इन्हीं का है रेवोल्यूशन जो है। और मैड वुमन इन एटिक की बात करें तो 1979 ये जो है जेन एयर का जो लिया है, आपको पता है 1979 सैंड्रा गिलबर्ट एंड सुजैन गोबर उनकी रचना है। तो आपको देख रहे हैं कि ये डिजायर और ये जो है रिवोल्यूशंस, ये दो जो है ए एंड डी कहीं पर है तो वही ऑप्शन है आपका, ये जूलिया क्रिस्टीवा का है। टू विच ऑफ द फॉलोइंग थियरीज न्यू हिस्टोरिसिज्म इज इंडेटेड, मार्क्सिज्म को तो इंडेटेड है ऑब्वियसली, फॉर्मलिज्म से नहीं है, एग्जिस्टेंशियलिज्म से है नहीं, हर्मेन्यूटिक्स का है नहीं, तो मार्क्सिज्म है और रीडर रिस्पांस से आप ले सकते हैं। तो ए एन सी कहाँ पर है, ए एन सी पहले का ऑप्शन है। आगे की बात करेंगे हम, और विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट साइबर पंक, तो साइबर पंक के बारे में सही क्या है आपको बताना है, वट इज ट्रू अबाउट साइबर पंक, लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट साइबर पंक। साइबर पंक आप कह सकते हैं जो इंटरनेट या प्लेटफॉर्म पे, इट इज़ अ काइंड ऑफ साइंस फिक्शन, ये क्लियर हो गया साइबर पंक इसके बारे में। इट यूज पोस्ट मॉडर्निस्ट टेक्निक एंड पोस्ट ह्यूमनिस्ट थीम्स, ऐसा हम नहीं कह सकते, लेकिन इवेंट्स इन दिस नॉवल यूजुअली टेक प्लेस विद इन द वर्चुअल रियलिटी, इंटरनेट की दुनिया में होते हैं साइबर पंक नॉवल, ये आपको जानना है। इट इज अ काइंड ऑफ फिक्शन रिटन यूजिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे होता है, ये तीन चीज़ें तो होती हैं। द फर्स्ट साइबर पंक वॉज रिटन बाई थॉमस स्टर्न, ऐसा हम नहीं कह सकते। हाँ, सबसे पहले साइबर पंक नाम का एक किताब या नॉवल लिखा था ब्रूस बेथके ने किया था, ब्रूस बेथके 1980 में इसी नाम की एक किताब लिखते हैं, और आप ये कह सकते हैं ब्रूस बेथके क्वाइन द टर्म साइबर पंक, क्वाइन द टर्म, ये याद कर लेना, ये उतना ही क्योंकि ये एग्जाम में पूछा नहीं गया है लेकिन पूछा जा सकता है। तो इंटरनेट या साइंस एक प्रकार का साइंस फिक्शन है आप ये कह सकते हैं। और चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन, ये क्या है, तो आपको पता है तीन सही है ए सी डी, तो ए सी डी कहीं है, ए सी डी यहाँ पर है और आपका ऑप्शन सही हो गया। आगे देखिए हम क्या है, आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर्स, गैब्रियल गार्सिया मार्क्वेज जो कोलंबियन नॉवलिस्ट है, फीस्ट ऑफ द गोट, जोस लुइस बोर्चेज जो मैजिक रियलिस्ट नॉवल के में एक बड़ा नाम है, द ऑटम ऑफ द पेट्रियार्क, तो दो ऑटम ऑफ द पेट्रियार्क की बात करें तो एक गैब्रियल गार्सिया मार्क्वेज का नॉवल है ऑटम ऑफ द पेट्रियार्क जो है, ये 100 ईयर ऑफ सॉलिट्यूड, हाँ, लव इन द टाइम ऑफ कॉलरा, इन सब के लिए जो है ये 1975 में गैब्रियल गार्सिया मार्क्वेज जो मैजिक रियलिस्ट नॉवलिस्ट हैं, मैजिक रियलिज्म के लिए जाने जाते हैं, हालांकि ये भी जाने जाते हैं मैजिक रियलिज्म के, जॉर्ज लुइस बोर्जेस के, सलमान रुश्दी द इंचेंट्रेंस ऑफ फ्लोरेंस, ये 2008 में नॉवल आया था ये है, और ये तो क्लियर है। एल डोरेडो होना चाहिए, और मुझे लगता है कि एल डोरेडो होना चाहिए, खैर लेट मी जस्ट सी। तो ये जो है बात करें हम, तो लेट मी चेक इट आउट कि एक्चुअल क्या है, कहीं उसमें गलत तो नहीं छपा है। तो एल डॉक्टर रूब इज़ द राइट, ये सही है, रैक टाइम, ए एस बैट पोजिशन, इनको बुकर प्राइज मिला है ए एस बैट को, इसमें आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर्स, तो ए एस बैट को पोजिशन मिला है और सलमान रुश्दी को मिला है। और फीस्ट ऑफ की बात करें तो ये किसने लिखा है, और जो मी जस्ट
पोजीशन जो है ये द एंशेंट फोर का, ये फोर सही है, फोर का ऑप्शन आप देखें तो यहाँ पर लेट मी जस्ट हैव इट। फीस्ट ऑफ द गोड जो है वो वर्गेस लोशा का है, तो ये आप सलमान रुश्दी का देख लीजिए और एस वाइट का देख लीजिए। और उसके बाद क्या कहते हैं, ये जो रैक टाइम जो है, रैक टाइम इनफैक्ट वॉज रिटन बाय ई एल डॉक्टरोब इज द राइट आंसर। तो यहाँ पर रैक टाइम का क्या है, ये सही है, तो सी डी ई इज़ द राइट आंसर, सी डी ई इज़ द राइट आंसर। दरअसल ऐसे नाम थे जैसे वो, ये डॉक्टर रूप का से हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, तो थोड़ा सा कन्फर्मेशन में ढूंढ रहा था। और विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स आर रिटन बाय अरविंद अडिगा की बात करें, द ब्लू बेड स्प्रेड, द ब्लू बेड स्प्रेड इज अ फर्स्ट नॉवल बाय राज कमल झा, ये राज कमल झा का नॉवल है, तो ये इनके द्वारा तो है नहीं, राज कमल झा। और बिटवीन द असैसिनेशन ये रचना है, द हाउस ऑफ द ब्लू मैंगोज, द हाउस ऑफ द ब्लू मैंगोज इज ऑल्सो नॉट बाई एट लीस्ट अरविंद अडिगा के द्वारा ये नॉवल नहीं है। और द हाउस ऑफ द ब्लू मैंगोज इज रिटन बाई डेविड डेविडार, और ये जो हैं जो एलएफ पब्लिकेशन हाउस है उसके मालिक हैं, तो ये जो है डेविड डेविडार, ये जो हैं एलएफ जो प्रकाशन है, जो शशि थरूर की ज़्यादातर किताबें वहाँ से पब्लिश होती हैं, उसके ओनर हैं, नॉवलिस्ट भी हैं ये और नॉवेल भी लिखते हैं। और 2002 में ये नॉवेल आया था, और ब्लू ये 1990 में आया था नॉवेल, ये 1999 में आया था, ये 2002 में आया था। लास्ट मैन इन टावर इनका है, अरविंद अडिगा का है, और बिटवीन द असैसिन अरविंद अडिगा का है, और द वाइट टाइगर 2008 में इसको नॉवेल प्राइज, बुकर प्राइज मिला है, आपको पता है बुकर विनर भी है। प्रियंका गांधी, प्रियंका चोपड़ा और राजकुमार राव ने इस पे मूवी भी बनाई है, अगर आप नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, बुकर प्राइज विनर है। अब ये मत कहना, इसके पहले ए एस वाइट का जो नॉवल था पोजिशन, वो भी बुकर विनर, एक रोमांस है, उसे भी बुकर मिला है, यहाँ जो मैंने बताया नहीं शायद मैं भूल गया, ये पोजिशन को भी बुकर मिला है, ठीक है, बुकर प्राइज ये भी मिला है, ठीक है, बुकर प्राइज जैकि प्रिस्ट, मैं बुकर प्राइज की बात कर रहा हूँ, इंटरनेशनल बुकर प्राइज भी, उसकी भी वैल्यू है, उसकी शुरुआत ही 2005 में होती है, जबकि बुकर की शुरुआत 1969 में होती है। पहला नॉवेल जो मिला था जिसको बुकर, उसका नाम था समथिंग टू आंसर फॉर, रिटन बाई पी एच न्यूबी। बाद में इंडिया में अभी तक पूरी तरीके से इंडियन अरुंधति राय थी और किरण देसाई थी और अरविंद अडिगा थे, इन तीनों को मिला है। 1997 में अरुंधति राय को मिलता है, 2008 में अरविंद अडिगा को मिलता है, लेकिन 2006 में किरण देसाई, जो अनीता देसाई की डॉटर हैं, उनको मिलता है। तो अभी तक बाकी नामित तो कई हुए, और इंडियन ओरिजिन की बात करें तो 1971 में इन अ फ्री स्टेट के लिए वी एस नाईपॉल को मिलता है, फिर सलमान रुश्दी को 1981 में मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए मिलता है। सलमान रुश्दी को ही बुकर ऑफ बुकर्स का भी अवार्ड मिला है, एंड बेस्ट ऑफ द बुकर्स जो 2012 में मिला, और बुकर ऑफ बुकर्स जो 2008 में मिला, वो दोनों तीनों अवार्ड। लास्ट नॉवेल क्विसॉट जो है उनका, या हाँ, इसके बाद और एक नॉवेल जो है वो टेंटेटिव है, दैट इज येट टू बी पब्लिश्ड। आगे की बात करें, ये हो गया था, विच अमंग द फॉलोइंग आर करेक्ट, जेएम क्विची साउथ अफ्रीका, मार्गरेट एटवुड कनाडा की हैं, फिलिप रॉथ ऑस्ट्रेलिया के हैं, ओरहान पामुक टर्की के हैं, ये तो क्लियर है। ग्राहम स्विफ्ट जो है, ग्राहम स्विफ्ट को भी बुकर प्राइज मिला है, आपको पता है ग्राहम स्विफ्ट, आई थिंक ही हैज गॉट द बुकर प्राइज, ग्राहम स्विफ्ट, उनका जो नॉवेल था लास्ट ऑर्डर के लिए बुकर प्राइज मिला है, यस, लास्ट ऑर्डर के लिए इनको बुकर प्राइज मिला है 1996 में, ठीक है। और ये इंग्लिश नॉवलिस्ट हैं, तो ये न्यूजीलैंड, ये गलत हो गया। ओरहान पामुक टर्की के हैं, इनका जो स्नो या माई नेम इज़ रेड, माई नेम इज़ रेड, माई नेम इज़ रेड के लिए जाने जाते हैं। और किरण देसाई से इनके ठीक ठाक संबंध हैं, आपको बेहतर पता होगा, तो उसके लिए भी जाने जाते हैं। फिलिप रॉथ, फिलिप रॉथ का एक नॉवल, फिलिप रॉथ कहाँ के नॉवलिस्ट हैं आपको बताना है, फिलिप रॉथ अमेरिकन नॉवलिस्ट हैं, ऑपरेशन साइलॉक करके नॉवल लिखा है इन्होंने, याद रख लेना, सब बता दे रहा हूँ,
ऑपरेशन साइलॉक नाम का एक नॉवेल लिखा है इन्होंने, ऑपरेशन साइलॉक करके, कन्फेशन, द कन्फेशन ऑफ अजूब, इस तरीके ऑपरेशन साइलॉक करके 1993 में इनका नॉवेल आया था। ये 1993 में नॉवेल आया, फिलिप रॉथ का है, और ये जो है अमेरिकन है, ये अमेरिकन है। मार्गेट एटवुड कनाडा की हैं, और जे एम कोएची जो हैं साउथ अफ्रीका के हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डिसग्रेस के लिए इनको भी क्या कहते हैं नोबेल बुकर प्राइज मिला है कोएची साहब को। तो आपका ये सही है, ये सही है, और ओरहान पामुक सही है, ए बी डी कहीं सही है तो सही है, ए बी डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आर के नारायण, हिज द गाइड इज एन ओपन एंडेड नॉवल। गाइड एक ओपन एंडेड नॉवल है, बात सही है। ओपन एंडेड नॉवल होता क्या है? ओपन एंडेड नॉवल उस नॉवल को कहते हैं जिसके एंडिंग को मतलब दिखाया नहीं जाता, वो रीडर पे छोड़ दिया जाता है कि इट इज़ एट द विल ऑफ रीडर व्हाट इट टेक्स। उसमें इट इज़ रेनिंग इन द हिल, इट इज़ रेनिंग इन द हिल, वो क्या होता है गाइड में, वो मरता है, उस बात कहानी क्या होती है, मतलब एंडिंग को दिखाया नहीं जाता कि फाइनल रिवोल्यूशन जो रिजोल्यूशन होता है, डेनुमा नहीं होता उसमें। तो आप ये कह सकते हैं एंडिंग इज एट द विल ऑफ रीडर, के विल पे रहता है। मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स ऑफ इस नॉवेल्स आर फ्रॉम एलीट सोसाइटी, ऐसा नहीं है। ही रोट शॉर्ट स्टोरी टाइटल मार्टर्स कॉर्नर, जी हाँ ऐसी शॉर्ट स्टोरी उन्होंने लिखी थी। ही रिसीव द बुकर प्राइज फॉर, उन्होंने कभी बुकर प्राइज नहीं जीता है। मालगुडी इज अ रियल लाइफ सिटी, नो ये फिक्शनल सिटी है, रियल लाइफ सिटी नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। आपका ए एंड टू इज द राइट, इनको भी साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है 1960 में मिला है। ए एंड डी अगर कहीं सही है ए एंड सी के लिए, तो ए एंड सी इज द राइट। तो यहाँ पर इनको भी साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है द गाइड के लिए मिला है। द गाइड अगर बात करें एज अ नॉवल, 90 देवानंद की फिल्म भी इस पर आई थी, और इनको 1960 में मिला है साहित्य अकेडमी अवार्ड, साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है आपको पता है, और सबको मिला है, मुल्क राजानंद को भी मिला है, और राजा राव को मिला है, कब मिला है आपको बताना है। आइडेंटिफाई द करेंट पेयर्स, करेक्ट पेयर, जेसी रैंसम क्रिटिसिज्म इंक, विलियम एम्सन सेवन टाइप्स ऑफ एम्बिगुटी, ये क्लियर है। क्लिंथ ब्रुक्स एंड वॉरेन, आरपी वॉरेन अंडरस्टैंडिंग पोइट्री, आरपी ब्लैकमोर इन सर्च ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म, ये क्लिंथ ब्रुक का है, ये एक ऐसे है तो ये गलत हो गया। एलन टेट है, ये एलन टेट है, द न्यू अपोलॉजिस्ट फॉर पोइट्री, दो न्यू अपोलॉजिस्ट फॉर पोइट्री जो है, दिस इज नॉट बाई एलन टेट, दिस इज बाई मरी क्रीगर, दिस इज बाई मरे क्रीगर, तो ये क्लियर हो गया। तो कौन कौन सा है आपका आंसर क्या है? ए बी सी, ए इज द राइट आंसर, बी विलियम एम्सन, और सी इज द राइट आंसर, और अंडरस्टैंडिंग पोइट्री इन्होंने किया है। आर पी ब्लैक मोर इन सर्च ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म, ये क्लिंथ ब्रुक्स का है, और एलन टेट जो टेंशन इन पोइट्री के लिए जाने जाते हैं, न्यू अपोलॉजिस्ट फॉर पोइट्री, एलन क्रीगर का है 1956 में, ठीक है, और जो एक ऐसे है ये इन सर्च ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो हमारे पास ऑप्शन क्या था? ए बी सी, ए बी सी इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन, थॉमस राइमर कॉइन द टर्म पोइटिक जस्टिस, शब्द को थॉमस राइमर ने कॉइन किया था। थॉमस राइमर वही राइटर हैं जिन्होंने ओथेलो की आलोचना करी थी, ओथेलो प्ले की, और टू इम्प्लाई द फॉलोइंग, उन्होंने क्या बताया है कि अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थली रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट इन प्रपोर्शन टू द वर्च्यू एंड वाइस ऑफ द वेरियस कैरेक्टर्स, बात सही है। लिटरेरी वर्क गवर्न बाई डेकोरम एंड मोरालिटी, इसको पोएटिक जस्टिस कहा जाता है, एंड दीज टू आर द करेक्ट आंसर। आई ए लिटरेरी वर्क गाइडेड बाई रैंडम वेज, रैंडम वेज थिंग ऑफ एन वर्क आउट इन द एक्चुअल वर्ल्ड, ऐसा नहीं है। द मेटाफिजिकल नेचर ऑफ पोएटिक एक्सपीरियंस, ये दोनों नहीं है, ए एंड बी इज द राइट, एंड हियर ऑप्शन होना चाहिए ए एंड बी, जो कि नहीं है। माई अपोलोजीज, आपकी ये दोनों सही हैं। These are 30 questions. Next 30 questions you will have tomorrow if everything goes well. Thank you. Stay connected. Keep watching and keep sharing, because jitna proliferation hoga iska, jitna ye door tak jayega, utna mera utsaah badhega aur main deta rahunga. Kyunki net jaise exam ke liye jab MCQs aap dekhte hain to dimag pehle kya hota hai, blank ho jata hai. Mind becomes tabular aisa. Kuch samajh mein nahi aata ki padha hai ki nahi padha hai. So it's a matter of practice, practice, practice. और बाकी अगर कहीं से कॉन्सेप्चुअल चीज़ें आपको मिल रही हैं, अच्छी किताबें, देखो सीट किताबें आपको पढ़नी ही पड़ेंगी, चाहे वो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की हो, चाहे थ्योरी की हो, चाहे क्रिटिसिज्म की हो,
आपको पढ़नी ही पड़ेगी. यू कैन नॉट सेव योर स्किन. अगर ऐसा कोई शॉर्टकट बताता है तो जस्ट डू दैट. डेफिनेटली यू विल रिपेंट. थैंक यू वेरी मच.